हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फारिया जुवेद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एंटी एजिंग क्रीम, और आप लोगों को बताऊँगी यही हमने इसको किस तरह ये बनाना है और यूज़ करना है। इससे हमारे फेस पे डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन भी दूर होगी और हमारी स्किन को वाइट भी करेगा, क्लीन एंड क्लियर भी कर देगा। और इसके लिए हमने चाहिए 1 टीस्पून लेंगे हम मसूर की दाल, उसके बाद लेंगे हम आलमंड ऑयल, फिर हम लेंगे रोज़ वाटर, उसके बाद हमने लेना है विटामिन ई का कैप्सूल। जिनकी स्किन ड्राई है वो विटामिन ई के कैप्सूल 2 या 3 ले सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे टमाटो जेल, फिर हमने ग्लैसलिन लेनी है। ग्लैसलिन भी हमने 1 1 टीस्पून डालनी है। तो जिनकी स्किन ड्राई है वो 1 टीस्पून या 2 टीस्पून डालेंगे, और जिनकी स्किन ऑयली है वो ग्लैसलिन या विटामिन ई के कैप्सूल को स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ग्लैसलिन के 2 से 3 ड्रॉप ज़रूर डालें। जिनकी स्किन ऑयली है तो वो विटामिन ई का कैप्सूल 1 ज़रूर डालें। तो हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमने आलमंड ऑयल भी लेना है, वो भी हम लेंगे 1 टीस्पून। रोज़ वाटर डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, और एलोवेरा डालेंगे 1 टीस्पून, सॉरी गाइस, टमाटो जेल। उसके बाद हमने विटामिन ई के कैप्सूल भी इसमें ऐड करना है, फिर हमने ग्लैसलिन ऐड करनी है। और इसको मिक्स करके आप इसको अपनी नाइट और मॉर्निंग में आप इसको यूज़ करें। इसके रिज़ल्ट आपको 2 से 3 दिन में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी क्रीम है, आपने इसको यूज़ करनी है। इससे आपके फेस पे जितने भी फ्रैकल्स एंड रिंकल हैं वो फेस से रिमूव हो जाएंगे, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो भी करेगी। तो आपने इसको यूज़ करना है। तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो आप लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।